है कार्य है, क्योंकि अग्नि देवता ने होलिका को वरदान दिया था कि किसी भी हालत में तुम जल नहीं सकते, और चाहे किसी भी तरह से मृत्यु आ जाए तो तुम जल नहीं सकते। और वरदान दे करके वो बहुत पछता है, क्योंकि प्रहलाद को लेकर वो घूमने गए और अग्नि देवता के सामने प्रश्न पड़ा, धर्म का प्रश्न, कि मैंने इनको वचन दे दिया मैं तुमको जलाऊंगा नहीं, और इस वचन को मैं अब कैसे भंग करूं। और प्रहलाद तो स्वयं साक्षात अबोधिता है, स्वयं साक्षात गणेश का प्रादुर्भाव, और इनको किस तरह से जला, इनको तो कोई नहीं जला, और मेरे भी शक्ति से परे, ये तो मेरे शक्ति से परे। तो उन्होंने विचार ये किया कि अहंकार कैसा कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं अपनी शक्ति की कौन सी बात कर सकता, मेरी ऐसी कोई सी भी शक्ति नहीं है जो इनके आगे चल सके, इनकी शक्ति इतनी महान, तो इनको तो मैं जला सकता ही नहीं चाहे कुछ भी कर लूं। लेकिन इस वक्त दूसरा बड़ा भारी मेरे सामने धर्म का है, तो कर्तव्य और धर्म इसमें जो कश्मकश हुई उस वक्त ये सोचना चाहिए कि धर्म कर्तव्य से ऊंचा, धर्म कर्तव्य एक सर्वसाधारण कर्तव्य से ऊंची चीज, और उससे भी ऊंची चीज आत्मा का धर्म, यानी जो छोटा परिघी में बंधा हुआ सीमित जो कुछ भी हमारा वलय है गोल है, उससे जो ऊंचा गोल है, उससे जो ऊंचा वलय है उसको उतरना अगर है तो इस छोटे को छोड़ना पड़े, और यही कृष्ण ने शिक्षा दी। कृष्ण ने कहा कि अगर आपको हित के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप झूठ बोल, सच बोलने की बात ठीक है, लेकिन किसी ऊंची चीज के लिए नीची चीज को छोड़ना। जैसे कि कोई आदमी अब अंदर आ जाए और किसी को मारना चाहता है, खून करना चाहता है, एक तो उसके अधिकार चेष्टा है, उससे आपने पूछा ये महाशय ऊपर है, तो आपने कहा कि हाँ है, मतलब सच कह दिया, सच कहना तू सच कह दिया, तो जाके उसको मार डाले। लेकिन उनकी जान बचाना ये बहुत ऊंची चीज, वो बहुत महत्वपूर्ण बड़ी चीज, उस बड़ी बात के लिए बड़े ध्येय के लिए ये छोटे जो चीजें हैं इनको छोड़ना, यही कृष्ण ने अपने जीवन में आरोप लगाया। कृष्ण के जीवन को बहुत कम लोग समझ पाए, क्योंकि उस जमाने में धर्म की ये दशा हो गई थी कि लोग धर्म को बहुत ही ज्यादा गंभीरता पूर्वक बहुत उसको सीरियस बना के सब ढुढ़ाचार्य बने कि धर्म बहुत सीरियस चीज, इसमें आदमी को जो है बिल्कुल सीरियसली सब, क्योंकि कर्मकांड बढ़ गए। अब कर्मकांड करने में बड़ी आफत रहती कि अगर आपने इधर से उधर दीप जला दिया तो भगवान जी ना, इधर से उधर आपने अगर उदबत्ती जला दी तो भगवान जी ना, अगर लेफ्ट हैंड से आपने कुछ कर दिया तो गया। इन सब बातों की वजह से लोगों में कंडीशनिंग हो गई, और उस कंडीशनिंग की वजह से लोग बड़े गंभीरतापूर्वक धर्म करने लगे, इतने गंभीर हो गए कि उसका आह्लाद उसका उल्लास सब खत्म। राधा जी की जो मेन शक्ति थी वो थी आह्लाद दायी, सबको आह्लाद देना ये उनकी मेन शक्ति, और इसीलिए उन्होंने फिर होली का त्योहार, कृष्ण ने आकर के जितनी भी पूजाएं थी सबको बंद करके और कहा कि अब पूजा उजा मत करो, तुम उस आत्मा की ओर बढ़ो, इसको तुम्हें पाने, और छोटी छोटी चीजों में मत खो,
शुद्र चीजों में नहीं खोना है, लेकिन ऊंची चीज के और अपनी दृष्टि लगाए। अब जो आदमी, मैं तो बड़ा झूठ कभी बोलता नहीं था, कभी कभी ऐसा आदमी ओवर स्पष्ट वक्ता भी हो जाता है और अहंकार में दूसरों को दुखाता है, या नहीं तो उसी में उसका जीवन सत्यानाश। सच भी क्यों बोलना, धर्म भी क्यों करना, कर्तव्य क्यों करना, क्योंकि आपको आत्मा होना है। और किसी भी चीज से आप इस तरह से बंधन में फंस जाए और उससे आपको सीरियसनेस आ जाए, आप बुढ़ा जाए, इसको बुढ़ाना है, उससे कोई फायदा नहीं। सो धर्म जो है वो आदमी को बिल्कुल पूरी तरह से एकदम जमा देता था, जैसे आइसक्रीम नहीं जम जाती ऐसे जम जाता। और शक्ति का संचार कैसे, उसका आनंद कैसे लोग उठा, तो उन्होंने रंग वगैरह खेलना शुरू किया। रंग खेलो, रंग भी सारे जो रंग है, आप देखिए कि रंग भी देवी के रंग है, सारे सातों चक्रों के रंग से रंग खेला जाता है। सारे चक्र के रंग ही अपने ऊपर उठा लो, खेलो उल्लास आह्लाद आनंद। गंभीरता पूर्वक बैठने कौन सी जरूरत है, अगर आप परमात्मा को पाए तो खुश। वल्लभाचार्य के पास एक बार सुदास जी गए और उनसे अपना रोना, बेचारे वो फार नहीं थे तो रोते रह सकते तो रोना शुरू करा। तो वल्लभाचार्य तो साक्षात श्री कृष्ण ही अच्छा बताते, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा काहे घिघियावत हो, समझ में नहीं आया कि हर समय घिघियाते क्यों। इसके लिए घिघियाने के लिए और कहीं शब्द नहीं मिलेगा, कि हर समय ये रोने की क्या जरूरत है। परमात्मा के प्रेम में आदमी आनंद विभोर हो जाता है, लेकिन ये अंदर से आने वाली एक आह्लाददायी शक्ति है जिससे होना चाहिए, न कि ये कि बहुत से लोग आजकल ढोलकी लेकर के और बजाते फिरते हरे राम हरे कृष्णा, उस तरह की चीज नहीं। ये उसकी कॉपी है, जो मैंने कल कहा कि रियलिटी और कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है। जो असलियत है उसमें आदमी विभोर हो करके खुश होता, उसमें कोई अश्लीलता नहीं, कोई गंदगी नहीं है, उसमें कोई जानबूझ करके नाटककारी नहीं। अंदर ही से आदमी खुश होकर के आह्लाद और उल्लास को महसूस करता है, और वही चीज जो है बाद में अनेक आघातों से भी दुखदायी हो गई। सब धर्मों में इसी प्रकार होते हैं, जैसे कि मुसलमानों में आपने देखा है कि वो लोग मारते हैं अपने, खाए हुसैन हम न हुए, सुना होगा, मैंने रोने वाला धर्म ये धर्म नहीं। जब धर्म में रोना है तो ऐसे धर्म में क्या बताने का, ऐसे तो रोना ही होता है। सो दुख पाने वाला और दुख देने वाला धर्म हो नहीं सकता, लेकिन ये सब धर्मों में ऐसी बातें आ गई, हिंदू धर्म में भी आ गई। मैंने ये कि जो आदमी बिल्कुल मरगिल्ला हो वही बड़ा भारी साधु संत मानने लगा, देखो मरगिल्ला होना चाहिए, उसकी हालत ये होनी चाहिए कि उसको एक उद्विग्नता होनी चाहिए, और वो ऐसी दशा में होना चाहिए कि आधा पागल आधा अच्छा, कभी भी उठा डांस करना शुरू कर दिया, या कभी रोने को बैठ गया, दुबला पतला हड्डियां उसकी पिछका हुआ हो, पचासों उसमें झुर्रियां पड़ी हुई, आंखें बिल्कुल बलब के जैसे बाहर, उत्तेज तंदुरुस्ती चौपट और हर तरह की उसपे दुर्दशा, ऐसा आदमी कभी भी धार्मिक नहीं, प्रसन्न खिली हुई तबियत, खुला हुआ हृदय और प्रकाश जैसे उसके अंदर से। तो होलिका का दहन बाद, जैसे मैंने कल कहा, आज से यही तय कर ले कि अब होली जो है ये दिवाली हो जाएगी, इसका आनंद जो है विभोर। होली का आनंद सीमित, जबकि हम एक ही होली का जला, लेकिन फिर वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बैठता है। जैसे हर आदमी चाहे वो चमार हो, भंगी हो, घर में कोई भी हो, तो जैसे हमारे खानदान में लखनऊ में जाके रहने वाले हैं,
जमींदार लोग हैं ये लोग, तो मजा ले कि जमादार बेचारे अंदर भी आ जाए घर के अंदर। वैसे तो इन लोग के ऐसे कि तुम दहली छे क्यों आए, ये हद होती थी पहले। लेकिन होली के रोज चाहे फिर कोई भी हो, मालिक हो चाहे नौकर हो चाहे कोई, सब आपस में होली खेलते, यहाँ तक कि मालिक के कपड़े भी फाड़े तो उनको कुछ नहीं कह सकता होली के रोज। और इस तरह से एक समाजवाद और एक सामाजिक खुशी का त्यौहार अपने देश में शुरू। पर जैसे कि होली में भी आदमी फिर एक नीचे स्तर पर उतरने लग जाता है, अश्लीलता पे आ जाता है, ऐसे हर एक जगह होता ही है, हर चीज सड़ने से लग जाती है। सड़न इसलिए आती है कि उसमें जीवंतता नहीं, अगर चीज में जीवंतता हो तो चीज में सड़े। और इस तरह से जब होने लग जाता है तो वही चीज बहुत ही गंदी और बुरी दिखाने लगी। जब होली का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा तो चिलक वगैरह लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि लोग की गाली गलौज गंदी बातें, क्योंकि यूपी के लोगों को वहां भैया लोग कहते हैं और महाराष्ट्र में मराठी में गालियां है ही नहीं करीबन नहीं, और ये सब जो गालियां होती हैं गंदी गंदी, तो ये सब मराठी लोग भी हिंदी की गाली देते हैं, क्योंकि जब उनके आने तो उन्होंने यही इम्पोर्ट किया हुआ। और अधिकतर गालियां हिंदी की बोलते हैं और एक मराठी की गालियां तो कुछ होती नहीं है, और या तो फारसी लोग भी बहुत गालियां देते हैं, और हमारे पंजाब की भी गालियां कुछ कुछ होती हैं, वो भी काफी मुंबई में चलती हैं। सो ये गाली गलौज आदि चीजें जो है ये है कि अंदर की जो भड़ास है उसको निकाल दीजिए वगैरह वगैरह कहते हैं, इसको निकाल देने से अच्छा होता है, पर ये बड़ी रॉन्ग थी, ये कभी निकलती नहीं, ये जबान पे चढ़ जाती। हमने देखा है कि हमारे हस्बैंड तो जमींदार फैमिली के हैं, सिवाय हमारे हस्बैंड छोड़ के वहां हर आदमी गाली के सिवा बात ही नहीं, मतलब बड़ों में भी उनको गाली देने में कुछ लगता नहीं, पट से गाली देते। एक हमारे पति ऐसे है वाकई में बट सुचारू रूप के आते, कभी भी उनके मुंह से मैंने गाली नहीं किसी के, आज तक कभी उन्होंने किसी को गाली देते मैंने सुना नहीं विशेष बात। लेकिन उनके घर में किसी से बात करते वक्त एक दो गाली नहीं दी तो वो सोचते उन्होंने प्रेम ही नहीं जताया। वहां तरीका ये है कि दोस्त को मिलेंगे तो 50 पहले गाली देंगे, उसके बाद फिर गले मिलेंगे, वो यही चीज से फिर वो चढ़ जाती है गाली। उसका नुकसान भी बहुत हो जाता है, ऐसी चीजें अगर चढ़ जाए जीभ पे तो जिह्वा में शक्ति नष्ट हो जाए, जिह्वा का आदर नहीं होने से आप जो बोलते हैं वही झूठ होएगा। जो आदमी मुंह से गाली नहीं देता है उसके जिह्वा पे शक्ति होती। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाषण करते करते कुछ कहना भी होता तो मैं ठिठक जाती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें जैसे ईसा मसीह ने कही थी कि सुअर के आगे मोती नहीं डालना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में सुअर शब्द जो है ये गाली है और बहुत बुरी गाली, और मराठी में नहीं पर तो भी थोड़ी सी है पर ज्यादा नहीं। पर अंग्रेजी भाषा में बोलते वक्त में नहीं बोलती, हिंदी में बोलते हो ठीक है सुअर किसी कह दो तो ज्यादा ज्यादा तय होगा कि बेवकूफ, लेकिन वहां पे बहुत गंदा शब्द होता है। इस तरह से जहां जहां जिस तरह का व्यवहार है उसकी मर्यादा रखते हुए आदमी को रहना चाहिए, नहीं तो जिह्वा जो है नष्ट हो जाती है, जिह्वा की शक्ति जो सरस्वती की है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए भाषण में भी इसको वाचालता कहते हैं वो बुरा होता है, और वाचालता के साथ भी अश्लीलता तो बहुत कुछ। तो एक हम लोग सुबोध घराने के हैं और सुबोध घराने के लोगों में एक तरह की सभ्यता डिसेंसी होनी चाहिए, और उस सभ्यता को लेकर के हम लोग गाली गलौज से बात नहीं करते। और इसलिए कहते हैं कि होली में कुछ न कुछ गाली देनी ही चाहिए, अगर नहीं दी तो आपने होली मनाई। और इस तरह से घर में लोग भंग भी पीते हैं, बहुतों ने कहा एक दिन भंग पीने में क्या हर्ज है, वहां कोई हर्ज तो है नहीं, ऐसी कोई हर्ज नहीं है, एक दिन भंग पीने तो क्या भंगेड़ू नहीं हो जाते, पर अगर आप हमें भंग पीने को कहिए तो हम तो नहीं पीने नहीं।
क्योंकि वजह यह है कि हम तो पहले ही पिए हुए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। और लोग इसलिए पीते हैं कि सोचते हैं कि जो सीरियस लोग हैं वो जरा से हल्के हो जाएंगे, जैसे ईगो ओरिएंटेड लोग हैं वो भंग पी लें, थोड़ा से लेफ्ट साइड को मूवमेंट हो जाती है तो जरा से खिल जाते हैं, भंग में बकना शुरू कर देते हैं। लेकिन भयंकर प्रकार है भंग, क्योंकि हमारे ससुराल जब हम गए तो हमें क्या पता था कि भंग पीते, महाराष्ट्र में सब तरीका नहीं है, महाराष्ट्र जरा इस मामले में ज्यादा सभ्य है, औरतें औरतें तो बिल्कुल भंग का नाम ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगती सब चीजें। तो घर में गए तो आपको क्या पता था सब भंग पिए बैठे, उनका खाना खा लिया, हमने कहा भाई चलो खाना खाने बैठे तो इतनी बड़ी थाली में वो कायस्थ में जैसा तरीका था बड़ी थाली में बैठ के खाना शुरू। अब मैं तो जितना खा के आप जानते ही हैं, चलो उस दिन त्योहार था थोड़ा ज्यादा ही खा ली, अब वो खाते चली गई खाते चली गई, हमने कहा क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आया। और हंसते जाओ खाते जाओ, तो हमारी जिठानी जी विधवा थी, तो विधवा लोग नहीं भंग पीते, विधवा के लिए सब मना। हमने कहा ये इनको क्या होगा जी, तो वो समझते जा और खाते जा हंसते जा, मेरे को समझ भी नहीं आया क्या हो रहा। तो उसके बाद हमारे उन्होंने बताया कि इन लोग सब भंग पिए हुए हैं। तो मैं वैसी उठी थाली पर से नमस्कार करके और हाथ धोया और अपनी अटैची उठ के मैं ट्रेन में बैठ गया, किसी के पैर भी नहीं छुए, हमारे यहाँ पैर छूने का कुछ नहीं, किसी कहा नहीं चलते। सबने कहा कहाँ गई, जब लखनऊ में उन्होंने खबर भेजी वही कहाँ चली गई दुल्हन, तो हमने कहा सब भंग पिए हुए थे इन लोगों से क्या बात हम करते, तो अब चले आने का सबको बंगली पीने। तो बात यह है कि भंग वंग पीने की सहयोगी कोई जरूरत, जब चाहे तब मन में ही भंग पी ली। भंग का जो उपयोग है लेफ्ट साइड में जाने का वो हम लोग ऐसे ही करते, मतलब ये कि कोई अगर आदमी बड़ा ईगो ओरिएंटेड है, बहुत ड्राई है, शुष्क है, गंभीर है, तो उसके लिए सहयोग में पूर्ण व्यवस्था है कि वो अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर ले, आज्ञा चक्र को अगर वो इसी तरह से खुलवा ले, अपने ही आज्ञा चक्र को ठीक कर ले तो वो लेफ्ट साइड में काफी आ सकता है। निद्रा के समय अगर आज्ञा चक्र को घुमा करके सो जाए तो अच्छे से निद्रा आ सकती, और अगर उसको फिर भंग की दशा से निकलना है तो फिर आज्ञा चक्र को कस ले तो फिर राइट साइड में आ सकती। तो जब अपने ही हाथ में सारी चीज पड़ी हुई है, जब हमारी सारी ही शक्ति हमारी अंदर समाई हुई है, और जब उसका पूरा ही ज्ञान हमको मालूम है कि कौन सा स्विच किस वक्त घुमाने का है, तो इस बाहर की चीजों का अवलंबन करने की जरूरत है। तो उस वक्त में भंग हो सकता है जस्टिफाइड थी शायद कृष्ण के जमाने में, लेकिन कृष्ण भी पीते नहीं थे, खाते हैं शायद, पता नहीं क्या करते जो सो उन्होंने ये किया, लेकिन बाकी लोगों को जरूरत पड़ी, क्योंकि जो सीरियस लोग थे उनको जरूरत थी कि भंग पिए, जिससे क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन है, हम राजा साहब हैं, हम महारानी साहब हैं, हम घर के मालिक हैं, हम फलाने हैं, हम कैसे मेहतर से मिले, मैं मेहतर तो घर के झाड़ू लगा, तो उसके लिए ये कि पहले तुम भंग पियो तो मेहतर और तुम एक हो जाओ, भूल ही जाओ कि तुम मेहतर हो और वो राजा, इसलिए भंग पिला देते थे कि तुम्हें होश ही न रहे कि तुम कौन हो, क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशन बने हुए हैं कि हम फलाने हैं, हम ढिगाने, भंग पी लिए तो सब एक। अब इसी का उल्टा हिस्सा ऐसा है कि जब कभी दास जी ने कहा कि सुरति जब चढ़ती है तब सब एक जात हो, तो उन्होंने सोचा कि जब तंबाकू आदमी खाता है तो वो भी एक जात हो जाते, तो उन्होंने तंबाकू का नाम सुरति रख दिया। जब हिसाब नहीं लगा पाए तो उनका तंबाकू ही सुरती हुई, क्योंकि तंबाकू जब खाते हैं, जब जिसको तंबाकू तलफ होती है तो वो चाहे राजा हो, उस वक्त में अगर कोई गरीब भी बैठा हो तो भी उससे कहा भाई तंबाकू हो तो दे थोड़ी मुझे, वो मांग लेता है। इसलिए उनका ये तंबाकू चीज सुरती हो सकती, क्योंकि इसमें राजा रंग नहीं रह जाता, ये इंसान की खासियत है कि किसको कहां जाके मिलाएगा वो वही जाने। लेकिन होली का जो विशेषता है पर्व, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दिवाली अगर इसे बनानी है तो इसमें डिसेंसी के साथ इंडिसेंट काम है, अश्लीलता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अश्लीलता आ गई तो फिर वो होली नहीं हुई श्री कृष्ण की, नहीं वो तो होली हुई ऐसे लोगों की जो पार नहीं, जो पार हो जाते हैं होली खेलते वक्त कोई सी भी अश्लीलता ना, यानी ऐसे जैसे सहयोग में हम स्त्री पुरुष होली नहीं खेलते, पुरुष पुरुषों के साथ और से औरतों सहयोग में, भाभी देवर में हो सकता है, उसका भी एक नियम है आप जानते हैं कि जो औरतें बड़ी हैं वो अपने से छोटों के साथ खेलते, और जो बड़े हैं
अगर बड़े पुरुष हो तो उनके साथ स्त्री अगर छोटी हो तो वो होली नहीं खेल सकती ना, किसी भी तरह का व्यवहार पर्दा होता है। उससे उलट अगर स्त्री बड़ी हो तो उसके साथ में पुरुष का व्यवहार जो है खुला होता है, ये अपने आप मानी जाती है। इसलिए भाभी देवर में होली होती है लेकिन जेठ और दुल्हन में नहीं होती, जेठ से पर्दा होता है। और ये कायदा आपको आश्चर्य होगा सारे हिंदुस्तान में है और वो अपने आप ही चलता है, हम लोगों के अंदर अंतर्हित है, हमारे संस्कारों में बैठा है, क्योंकि अपने उल्टा काम होता नहीं अधिकतर। कि भाई जैसे इंग्लैंड में आप देख लीजिए कि 80 साल की बुढ़िया है वो 18 साल की साल के लड़के से शादी करेगी, 80 साल की, उनको कोई हर्जा नहीं, अपने आप कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भगवान ये कैसे मैंने, ये अपनी बुद्धि नहीं है इस चीज से। तो इधर ये तो सब चीजें होती नहीं, हमारे संस्कारों की वजह से जो हमारे अंदर बिल्कुल ये अंदर बैठे हुए हैं जिसकी कोई हम नहीं, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं कि भाई 80 साल की कोई भी स्त्री हो तो माँ हो ही गई, उसको तो माँ मानना ही हुआ, माँ क्या हुई, नानी हो गई। तो उनसे ऐसे दिमाग में किसी भी बेवकूफ के भी दिमाग में ऐसी बात नहीं आती, कितने भी पतित आदमी के भी दिमाग में ऐसी बात नहीं आती, और इतनी बुढ़िया औरत के भी दिमाग में ऐसी बातें कभी आएंगी। तो हमारे जो संस्कार है, भारतीय संस्कार है, इनसे हम, इन्हीं की वजह से हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह से परिपक्वता में आते हैं। वो लोग परिपक्व नहीं होते, उनकी उम्र हमेशा गधे 25 ही में ही रहती है, उससे ऊपर नहीं उठता। हम लोग परिपक्व हो जाते क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार ऐसे हैं कि जो बांध लेते हैं हमको पूरी तरह से। जैसे कि एक पेड़ है वो कायदे से अगर बढ़े तो परिपक्व हो जाएगा, और अगर हवा में लटके तो परिपक्व नहीं हो सकता। वो बूढ़े भी होते जाते तो भी उनमें बचकानापन जाता ही नहीं। और जो हिंदुस्तानियों का संबंध भी वेस्टर्न लोगों से आता है उससे आता है, वो भी कुछ वैसे ही हो जाते हैं। मैंने देखा उनकी भी बूढ़ा औरतें, बड़ी बड़ी लड़कियां होंगी, वो भी वही बेवकूफी की बातें करेंगी जो कि लड़कियां बात करें, उनकी भी समझ में सूझबूझ में परिपक्वता नहीं है। और इस परिपक्वता को पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो कायदे कानून बने हुए उसको चलाए, और उसमें बहुत ही आनंद की बात, कोई गड़बड़ी हो सकती, कुछ अपने समाज में दोष नहीं आ सकता। तो होली का जो ये हिस्सा है इसको सहयोग में छोड़ देना पड़ेगा अश्लीलता का, और होली का जो प्रेम का हिस्सा है उसे अपनाना चाहिए कि बगैर भंग पिए हुए ही हम सब एक हैं, ये भावना आप जानते हैं। इस वक्त विशेष रूप से गले मिलना चाहिए क्योंकि कृष्ण का सारा कार्य प्रेम का था, प्रेम को पूरी तरह से लूटने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा यह सब परमात्मा की प्रेम की लीला है, इसमें सीरियसनेस नहीं है। लीला लीला धर्म, जिसने लीला को धारणा किया वो श्री कृष्ण थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज को लीला स्वरूप देखा, लीला धर्म। और ये लीला धर्म की जो लीला है उसमें अश्लीलता कहीं नहीं है, और हमारी जो संस्कृति सीधी सरल बैठी हुई है, इन लोग की उल्टी खोपड़ी है। जैसे औरतें जो है वो बदन खोल के घूमेंगी, और मर्द अगर हो और एक आध औरत आ जाए तो फौरन वो अपने कोट के बटन लगाएंगे। हमने कहा भाई मर्दों के कोट के बटन की क्या जरूरत है, औरतों को ही कायदे से पल्ला लेना चाहिए। पर इनकी सभी संस्कृति उल्टी पुल्टी बैठी हुई, और वो कुछ बैठी गई है, वो जमेगी, और धीरे धीरे सहयोग में आने से वो लोग जम रहे हैं। और अब आप लोगों की जो संस्कृति उसको आप कृपया न छोड़ें, सहयोग के लिए बहुत महान चीज है कि आप हिंदुस्तानी भी हैं और आपके पास संस्कृति की बड़ी भारी एक धरोहर वस्तु है, उसको आप पकड़े, पकड़ के उसी चीज पे जमे और उसी पे आप परिपक्वता पाए। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप ढुढ़ाचार्य बने या किसी तरह से आप बहुत सीरियस आए, प्रसन्न चित्त, आपकी माँ जब हंसती तो आप देखा है कभी कभी तो सात मंदिर की हंसी आती है, सब लोग हैरान होते हैं कि गुरु लोग तो कभी मुस्कुराते भी नहीं है, माँ चुपा है हंसती रहती है और उनके मुंह पे मुस्कुराहट तो कभी जाती है। मैं तो एक मिनट से ज्यादा सीरियस नहीं हो सकती, जब सीरियस भी होती तब भी नाटक रहता है। और बहुत से लोग इस बात को जान गए इसलिए वो भी नहीं सीरियसली लेते, ये गलत बात। तो कृष्ण ने ये चाहा कि जो कुछ भी गलत सलत हो गया है राम के जीवन की वजह से, राम का जीवन बहुत आदर्श, बहुत ऊंचा, बहुत गंभीर, तो उन्होंने देखा कि अब ये सब लोग राम बने जा रहे,
वो का ऐसी बात नहीं, वो तो राम का कार्य राम करके चले गए, अब तो लीला का समय, लीलामय सब होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सारे संसार को लीला का एक पाठ पढ़ा, और लीला का कभी भी अर्थ अश्लीलता या अपने मर्यादाओं से गिरना, अपनी परंपराओं से उतरना, या अपनी जो प्राचीन धारणाएं बहुत सुंदर अभी तक बनी हुई उनको छोड़ना, ये नहीं। हाँ, रूढ़ी आदि जो गंदी चीजें उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो पवित्रता की भावनाएं आपस के रिश्तेदारी की है उसको पूरी तरह से सहयोग में हम लोग मानते हैं और उसको निभाना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते, अब कल हमारे भाई साहब आए थे, बस देखा उन्होंने कि हमारे बहन का, उनके आंखों से आंसू बह जा रहे हैं। मैं देख रही थी कि बार बार वो आंसू पोंछ रहे, वो कुछ और महसूस नहीं कर रहे। सो ये जो पवित्रता की भावनाएं, प्रेम की भावनाएं, इसमें आदमी को चाहिए के सहयोग की दृष्टि से विचार करें। हरे सहयोग की दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से जो शोभायमान वो होगा, तो माधुर्य को लेते हुए शोभायमान करना चाहिए। कोई सा भी बिहेवियर जो कि अशोभनीय है, छोटी छोटी बातों पे बात करना, छोटी छोटी बातों में उलझना, बेकार में आपस में झगड़े करना, किसी भी चीज की मांग करते रहना, हमको ये चाहिए वो चाहिए, या कोई भी तरह की इस तरह की बातें करना, उछा। और ऐसे लोग सहयोग नहीं करते, एक बड़प्पन लेकर के, उदारता लेकर के अपने को चाहते। सो आज की तो असल में पूजा जो है वो बिल्कुल, मैं थोड़ी सी पूजा करना चाहती हूँ, तो मेरे रिलेशन इतने हैं कि कोई पूजा की विशेष आवश्यकता नहीं, और मंत्र मंत्र कहने की भी आवश्यकता नहीं, मंत्र भी गांधी में डाल देता है मुझे, पता नहीं क्यों। तो आज प्रसन्न चित्त होकर के बस दो ही तीन मंत्रों में हम आज का खत्म करेंगे, लेकिन इतना मैं कहूंगी कि होली को दिवाली बनानी पड़े, और दिवाली को होली तब सहयोग का इंटीग्रेशन पूरा होगा। दिवाली भी प्रसन्न चित्त होकर के करनी चाहिए, और दिवाली में भी लोग इतना रुपया खर्च करते हैं कि दिवाली के बाद दिवालिया होकर के यानी इसी से शब्द दिवालिया निकला है। क्या आप मान सकते हैं कि दिवाली से शब्द दिवालिया निकला, जिसने दिवाली मना ली वो दिवालिया हो गए, ये तो दिवालिया शब्द कैसे निकला यही बताइए। कुछ कुछ बड़े सुंदर शब्द है, उसमें से दिवालिया शब्द, कि दिवाली मनाई आपने, ठीक है अब आप दिवालिया हो जाइए। सो हम लोगों को दिवालिया नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कि मर्यादा से बाहर है, दिवालिया नहीं। जितना आपने बूते का है उतना करिए, उससे आगे आप परमात्मा पर छोड़िए, दिवालियापन करने की जरूरत है। और होली में दीवानगी करने की जरूरत है, कोई सा भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो इनडिसेंट हो, जिसमें डिकोरम नहीं हो, जिसमें कोई भी सभ्यता में न्यूनता, सभ्य तरीके से काम करना। छोटी छोटी चीज में आपके अंदाजा रहे किसकी मर्यादा, जैसे अब कल आर्टिस्ट लोग बजा रहे हैं, उस वक्त किसी को उठना नहीं चाहिए, किसी भी आर्ट का मान करना है। आपको बहुत बार देखा होगा कि जब कोई आर्टिस्ट बजा तो मैं खुद जमीन पर बैठी, क्योंकि आप इसी मान पान किसका करना चाहिए, ये सहयोगियों को बहुत आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल आर्टिस्ट लोग भी देखिए पैर पर हमेशा, ये ट्रेडिशन है, पैर पे हमेशा शॉल रख करके बजाएंगे अगर असली आर्टिस्ट हो, क्योंकि हो सकता है श्रोतागढ़ में कोई बैठे हो देव देवता और मेरे पैर न दिखाई दे। अपने देश की इतनी बारीक बारीक चीजें हैं कि मैं आपसे क्या, ना सुंदर अपने देश में सब बना हुआ, ना सुंदर परमात्मा का कहना चाहिए कि अंग वस्त्र है, कि उसकी गहनता और उसकी बनावट में इतनी काव्य में सारी चीजें, बहुत ही सुंदर काव्य में चीज, लेकिन हम लोग उसे नहीं समझ पाते और अपने जीवन में नहीं ला पाते, तो वो सब फिर गंदगी हो जाती। मान पान की, अब कल जेठ बैठे हुए थे हमारे रिश्ते में, तो हमें आप देखिए पूरे समय पूरे लेक्चर में वो एक मर्यादा बनी रही कि हमारे जेठ बड़े भाई बैठे हुए हैं, उनके आगे कहां तक हम बोल सकते। अब तो हम आदिशक्ति, हमारे लिए कौन जेठ और हमारे लिए कौन बड़े भाई, लेकिन जब इस रिश्ते में बैठे हुए हैं उसका मान पान पूरी तरह से रख, हर रिश्ते का मान पान रखना। आप कुछ भी हो जाओ, सहयोगी भी हो गए तो भी आप मान पान को ले लीजिए, ये नहीं कि उसको आप तोड़ दें। और इस तरह से जब आप करेंगे धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ा ही माधुर्य है।
Mm-hmm.